फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने कथन और तर्क यानी कि स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताऊंगी कैसे आप उस स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट को समझ पाएंगे कि सही है या गलत है, ये इसकी पहचान कैसे करें और अपने आंसर को कैसे एकदम सही बनाएं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और विदाउट स्किप किए हुए। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि स्टेटमेंट और तर्क है क्या। तो इस देखिए, इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि प्रश्न के रूप में एक कथन दिया होता है तथा उसके नीचे दो तर्क दिए गए होते हैं। आपको कथन पर तथा उसके बाद दिए गए दोनों तर्कों पर विचार करके यह निश्चित करना होता है कि दोनों तर्कों में से कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा अप्रबल है। तो आप लोग को मालूम होगा, नहीं तो मैं आप लोग को एक ये दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये दो नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला जो है आपका कथन है और दूसरा जो है तर्क है, और तर्क भी दो है, और ये दोनों तर्कों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा तर्क सही है, तर्क वन या फिर तर्क दो या फिर दोनों ही। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को हम समझेंगे ध्यानपूर्वक। प्रबल तर्कों का कथन से सीधा संबंध होता है तथा वे कथन के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, जबकि अप्रबल तर्कों का कथन से सीधा संबंध नहीं होता है तथा वे कथन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आपको प्रबल तर्कों के बारे में बात कर रहा हो तो उसमें जो है कथन से उसका संबंध होता है, किसका, तर्क से, और कथन के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, जबकि अप्रबल तर्कों का कथन से सीधा संबंध नहीं होता है। जब अप्रबल के बारे में बात करेंगे, अप्रबल तर्क के बारे में, तो उसमें जो है कथन से उसका सीधा संबंध नहीं होता है तथा वे कथन के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं होते। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अप्रबल वाले जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे और प्रबल वाले सही हो जाएंगे। इसमें आने वाले प्रश्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा कानूनी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जो भी आपका तर्क या फिर कथन होंगे उसका टॉपिक क्या होगा, सामाजिक होगा, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा कानूनी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो इस चीज़ को पहचानने के लिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसे हम याद करेंगे और समझेंगे। तर्क कथन से स्पष्ट रूप से जुड़े होने चाहिए तथा तर्क साधारण नहीं होने चाहिए। देखिए, तर्क जो है कथन से स्पष्ट रूप से जुड़े होने चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं अभी कि मान लीजिए कह रहे हैं आलू 20 रुपये किलो है, आलू 20 रुपये किलो है, और इसी को अगर हम ये कहें कि बिहार में आलू 20 रुपये किलो मिलता है, बिहार में आलू 20 रुपये किलो मिलता है, तो यहाँ क्या बात हो रहा है, आलू का, और कितने रुपये किलो, तो 20 रुपये। यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, आलू के, कैसे रुपये मिल रहे हैं, तो 20 रुपये। तो इनका कथन और तर्क दोनों से ही जो है मिलान है, दोनों से ही संबंध है, तो ये तर्क जो है प्रबल होंगे, ना कि अप्रबल। बट अगर बात यही हम कहें कि आलू 20 रुपये किलो मिलता है और कहें कि टमाटर भी 20 रुपये मिलते हैं, तो आलू और टमाटर बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आलू 20 रुपये मिलते हैं ये तो समझ में आ रहा है, बट टमाटर 20 रुपये मिलता है तो टमाटर का आलू से क्या लेना है, आलू का टमाटर से क्या लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। तो ये तर्क जो है आपके अप्रबल हो जाएंगे। अगर कोई तर्क समाधान, सलाह या फैसला हो और कथन से सीधा संबंधित हो तो वह तर्क ठोस होता है। कोई भी समाधान, कोई भी समस्या, कोई भी डिसीजन हो, अगर उससे कोई कथन से संबंधित हो, उसका वो तर्क अगर कथन से संबंध रखता है तो वो तर्क ठोस होता है। यदि तर्क में एकमात्र, सिर्फ, केवल इत्यादि लगा हो तो वह तर्क ठोस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे कि केवल आलू 100 रुपये किलो है। जैसा कि अभी आप लोग जान भी रहे हैं कि आलू बहुत महंगा मिल रहा है, तो केवल आलू 100 रुपये किलो है, दैट मीन्स कि केवल लगा दिए या फिर एकमात्र लगा दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो तर्क इतना ठोस नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, उसे देख लेते हैं। यदि तर्क के रूप में कोई प्रश्न हो तो वह ठोस नहीं होता है। यदि तर्क के रूप में कोई प्रश्न हो तो वह ठोस नहीं होता है। अब जैसे कि हम आर्ग्यूमेंट की ही बात कहते हैं, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, क्या आलू 20 रुपये है, क्या आलू 20 रुपये है, अगर इसमें हम ये प्रश्न हो गया, क्या आलू 20 रुपये है, यह एक प्रश्न हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया है, या फिर हम फॉर एग्जांपल हम समाज से ही क्वेश्चंस लें तो क्वेश्चंस ये हो गया, क्या बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगा, क्या बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, दैट मीन्स कि ये जो तर्क है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये ठोस नहीं होता है अगर उसमें किसी भी तरह की प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो।
तो ये सब चीज़ों को अगर आप याद रखिएगा तो आपका सिलोलिज्म सॉरी आपका तर्क जो है और कथन जो है कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि कोई तर्क तार्किक रूप में हो तथा किसी अन्य का नकल ना हो तो वह तर्क ठोस होता है। जो भी आप तर्क कर रहे हैं वो आपका किसी के भी द्वारा कॉपी किया हुआ ना हो, वो आपका अपना हो तो वह तर्क ठोस होगा। यदि तर्क द्विअर्थी डुअल या एम्बिगुअस हो तो वह ठोस नहीं होता है। कोई भी तर्क अगर डुअल है या यानी कि द्विअर्थी है तो वह ठोस नहीं होगा। यदि तर्क के रूप में किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का संवाद या मत हो तो वह ठोस नहीं होता है। यहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, किसी भी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का संवाद हो तो वह मत ठोस नहीं होता है। सत्य या अनुभव पर आधारित तर्क ठोस होते हैं। अगर कोई भी ट्रूथ है या एक्सपीरियंस है तो उसके आधारित तर्क जो होंगे वो ठोस होंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी या अन्य आधारित तर्क ठोस होते हैं। तो जो भी अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसमें सोशल, राजनीतिक, धार्मिक यानी रिलीजियस, लॉ से जुड़ी बातें कुछ आपको दिख रही हैं तो वो जो होंगे तर्क ठोस होंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसके संबंध में दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड, NTAUGC नेट के ऊपर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पे वीडियो बनाई हूँ। रैम, GB ये सब क्या होता है, TB, बीट, बाइट सबके बारे में ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैं कम्युनिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कम्युनिकेशंस की वीडियो है, इसे भी आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं डोमेन नेम, IP एड्रेस, प्रोटोकॉल, PAM, TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई हूँ, इसे भी ज़रूर देखें। देखिए पहला नंबर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल ये है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसके संबंध में दो तर्क दिए गए हैं। जैसा कि ये दो तर्क है उसके बारे में आपको क्या करना है, संबंध करना है। तो देखते हैं, इस कथन पे विचार करेंगे। क्वेश्चन ये है, कथन आपका ये है, क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, यानी कि हायर एजुकेशन को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। तर्क कहता है नहीं, यह देश की प्रगति में रुकावट डालेगा। दूसरा तर्क कहता है हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा। तो बहुत ही ईजी है, देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये जो है, ये जो रुकावट डालेगा और नहीं जो यूज किया गया, नहीं यह देश की प्रगति में रुकावट डालेगा, ये बिल्कुल ही प्रबल है। कथन तर्क वन जो है प्रबल है, बल्कि कथन तो दो जो है प्रबल नहीं है। क्योंकि अगर आप उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं तो इससे जो है शिक्षित बेरोजगारी कम कभी भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है। यहाँ पे देखिए डिफिनेशंस भी दिया गया, केवल तर्क वन प्रबल है, देश की प्रगति के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है। अगर उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर दिया जाए तो देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। दूसरी तरफ उस शिक्षा को बंद कर देने पर शिक्षित बेरोजगारी कम नहीं होगी, बल्कि बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं, कथन और तर्क एग्जाम्पल दूसरा है, क्या अदालत के न्यायाधीशों की छुट्टी कम कर देनी चाहिए। तो कह रहा है हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा। और दूसरा है हाँ, यह ब्रिटिश परंपरा का द्योतक है, हम इसे आगे क्यों बढ़ाएं। तो इसका भी आंसर आपका सिर्फ केवल वन प्रबल है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, अगर न्यायाधीशों की छुट्टी कम कर दिए जाएंगे तो जो लोग भी केस लड़ने जाते हैं उनके केस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और इससे क्या है समाज वाले को सुविधा भी मिलेगी। बट ये आपका बिल्कुल भी प्रबल नहीं है, दो नंबर, क्योंकि यह कह रहा है हाँ, यह ब्रिटिश परंपरा का द्योतक है, अगर ऐसा करते हैं तो ये ब्रिटिश परंपरा का घोटक है, हम इसे आगे क्यों बढ़ाएं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शंस में यही दिया गया है, केवल तर्क एक प्रबल है, अगर अदालत के न्यायाधीशों की छुट्टियाँ कम कर दी जाती है तो न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और बहुत से मामलों का निपटारा तेज़ी से हो पाएगा। जो बात मैं अभी बोली वही बात यहाँ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीन नंबर, तीन नंबर आपका कथन है, क्या देश भर में सभी जगह सभी विश्वविद्यालयों को तत्काल
सभी स्तरों पर ऑनलाइन प्रवेश आरंभ कर देना चाहिए? तर्क कहता है नहीं, सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट में सरलता से एक्सेस उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है ये। हाँ, इससे विद्यार्थी और माता पिता विभिन्न कॉलेजों में जाकर कतारों में खड़े रहने से झंझट से बच जाएंगे। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि ये 2 नंबर प्रबल है इसमें। देखिए, कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, हाँ, बहुत बार आजकल ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जिनको इंटरनेट में कठिनाई होती है, वो उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, पहला तो प्रबल है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाया है ना? अगर यही बात यहाँ पे हाँ होता तो गलत हो जाता, बट नहीं है कि नहीं, सभी विद्यालयों को इंटरनेट में सरलता में एक्सेस उपलब्ध नहीं होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कथन में हाँ और नहीं कहाँ पे है। हाँ नहीं को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यही जगह पे नहीं की जगह हाँ कर दें तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बट हाँ है तो ये सही है। दूसरा है, हाँ, इससे विद्यार्थी और माता पिता विभिन्न कॉलेजों में जाकर कतारों में खड़े रहने से झंझट से बच जाएंगे। सही बात है, कितनी कितनी लाइनें लगती हैं आप लोग को एग्ज़ाम देने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर ऑनलाइन चीज़ें हो जाएंगी तो आपको लाइन में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन है केवल तर्क ए प्रबल है, केवल तर्क दो प्रबल है, दोनों तर्क प्रबल है, दोनों में से कोई तर्क प्रबल नहीं। तो मुझे तो यहाँ पे आंसर सी लग रहा है, और यहाँ पे भी सी ही दिया गया। देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। दोनों तर्क प्रबल है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट में सरलता के एक्सेस उपलब्ध नहीं होती है, अतः देश भर में सभी जगह सभी विश्वविद्यालय को तत्काल ऑनलाइन प्रवेश आरंभ करने में विद्यार्थियों को परेशानी होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ, ऐसा करने से विद्यार्थी और माता पिता को समय तथा कतार में खड़े होने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों ही बात कर रहा है कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो कुछ लोगों को सहायता ही मिलेगी, बट अगर ऐसा हो जाता है इंटरनेट वाली चीज़ें, तो बहुत लोगों को सहायता नहीं भी मिल सकती है, जहाँ पे कि इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं करती है। चौथा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? तो कह रहा है कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। दूसरा है, नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को आंसर 4 नंबर का आप लोग को बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपका यही है, केवल तर्क 1 प्रबल है, केवल तर्क 2 प्रबल है, के दोनों तर्क प्रबल है, या फिर दोनों तर्कों में से कोई प्रबल नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके 4 नंबर क्वेश्चंस के लिए। इस 4ों में से कोई एक ऑप्शन सही है। उसे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं। हाँ अगर है तो इसमें ये कह रहा है कि अगर उस धन को गरीबों के लिए उपयोग किया जा सकता है, और नहीं में ऐसा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे जो लोग अभी खेल रहे हैं उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है और वो खिलाड़ी जो हैं कुंठित हो जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो आईसीटी से है, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से। सबसे पहला है आप लोग का, रेखा मार्ग लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल में, और ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था कि रेखा मार्ग यानी कि लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है। उसका मुख्य कार्य है नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। नेक्स्ट है 2 नंबर, हाइपर मीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती है। तो हाइपर मीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स कहाँ संग्रहित होती है? तो सिग्नल्स के रूप में संग्रहित होती है, और ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट है संचार पट्टिका विस्तार कम्युनिकेशंस बैंडविथ, याद रखिएगा इस चीज़ को, याद रखिएगा संचार पट्टिका विस्तार, उसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बैंडविथ बोलते हैं, और बैंडविथ से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक क्षमता है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपरलिंक कहते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड, या फिर बस बिट, या फिर कैरियर वेव। तो आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ कह रहा है, और यहाँ पे बैंड ब्रैंड बैंड होगा आपका आंसर, जो होगा ब्रॉडबैंड कहा जाता है, जो भी कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता होती है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयुक्त होता है उसे ब्रॉडबैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी यानी कि ग्राफिकल विज्ञापन संदेश होता है उसे स्ट्रैप कहा गया है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे स्ट्रैप कहते हैं। बी वाज द राइट आंसर, ये भी यूजीसी नेट 2005 में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर, निम्नलिखित में अधोलोखित में कौन कंप्यूटर का लक्षण नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है, कि अधोलिखित में कौन कंप्यूटर का लक्षण नहीं है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है, ये जो है आपका लक्षण नहीं है, बल्कि कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, ये लक्षण है। कंप्यूटर त्रुटि मुक्त सूचनाएं तैयार करता है, ये लक्षण भी है। कंप्यूटर किसी भी काल तक आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। बट कौन सा लक्षण नहीं है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये जो है अधोलोकित में कंप्यूटर का लक्षण नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग से एक ही उम्मीद लगा रही हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में नहीं आया, और इस वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, प्लीज़ कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UGC NET एग्जामिनेशन।